नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम MBPSC 2019 के सेट ए यानी कि MBPSC 2019 का GS का पेपर कैसा आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन के आंसर भी आपको बताएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन एक्ट के नए मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी जो है इसकी बात करते थे। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर आप देख लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या है? तो दोस्तों नेक्स्ट है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये ग्वालियर में है, क्रिकेट से संबंधित है। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में आपको बताना है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों एकलव्य ये लक्ष्मण कुमार गंधर्व पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, अर्जुन, इसमें से आपको बताना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी से आता है? नेक्स्ट है, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये तीरंदाज से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, सतपुड़ा क्षेत्र में निम्न स्थित श्रेणियों में से पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्न में से कौन सा क्रम सही है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, किस नदी की घाटी गहरी यानी कि खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? तो दोस्तों चंबल जो है खड्ड भूमि बनाती है। नेक्स्ट है, इंदौर से जबलपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला सोर्स कौन सा है? नेक्स्ट है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया है? नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे इनके बारे में आपको बताना है, कौन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 18वां क्वेश्चन, कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा इनके बारे में बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो दोस्तों झारखंड की सीमा मध्य प्रदेश को टच नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्नलिखित में से कौन आयुक्त नहीं रहा है? दोस्तों ये नहीं रहा है ज़्यादा पूछा है इस बार। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है, इसका वायरस का आपको फुल फॉर्म बताना है। नेक्स्ट है, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करता है, इसके बारे में दोस्तों आपको बताना है ये क्या कहलाता है। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानून ढांचा प्रदान करता है, दोस्तों ये 2000 में जो है सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये जो है ऑनलाइन चैटिंग नहीं है साइबर अपराध। ईमेल पता mark.http://www.itdesk.info का डोमेन नाम क्या है ये आपको बताना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति का सदस्य कौन नहीं है इसके बारे में, इसमें कौन सा आंसर हो गया आपको बताना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, MPPSC 2019 का क्वेश्चन पेपर है, उसके कुछ आंसर भी हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट है, मानवाधिकार संरचना अधिनियम के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ये जो अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है, तो दोस्तों जो पहला है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों इसमें जो है करेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल। नेक्स्ट है, मानवाधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजन के रूप में प्रतिष्ठित करती है जो कम से कम वर्षों तक प्रैक्टिस रहा हो, इसके बाद कितने साल आपको बताना है। नेक्स्ट है, सिविल अधिकार संरचना अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? कौन सा प्रदूषण नॉक्सी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है?
नेक्स्ट है, एक ही पौधे के में के एक पुष्प के पराग कोष से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? तो दोस्तों ये इस बारे में बताना है। नेक्स्ट है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया? 2016 में इनकी नई दिल्ली में जो है इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट है, फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही, उसका नाम क्या है? उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को अपने उसमें शामिल किया गया? नेक्स्ट है दोस्तों, ऋग्वैदिक फणि किस वर्ग के नागरिक थे? नेक्स्ट है, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तारीख के फिरोजशाही के रचनाकार कौन है? नेक्स्ट है, मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये दोस्तों 1856 या 58 में दोनों में से दोस्तों कोई एक है। नेक्स्ट है, जो है हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? ये दोस्तों आपको मैच करना है। पहला साइट है कालाहांडी, जावर, कोलार, मोसावनी, दूसरे में सोना, तांबा, बॉक्साइट, जस्ता एवं सीसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमूलित मतलब मैच नहीं है? पहली साइट है मुकाम्बिका, डालमा, नैयर और कोटीगांव, और उस दूसरी साइट है कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है? नेक्स्ट है, औद्योगिक विकास केंद्र बामोर मध्य प्रदेश किस जिले में है? तो दोस्तों ये मुरैना में है। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो ये दोस्तों कब किया गया इसके बारे में बताना है। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के किन दो शहरों शामिल हैं? नेक्स्ट है, भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम, कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश भारत व्यापार नीति से संबंधित है? मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इंदौर में है। नेक्स्ट है, बोधन दउआ किसका सेनापति था? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। गोंड, बैंगा, भारिया, कोरकू, इधर दिया, अगरिया, बिझवार, पटलिया और महार। ये दोस्तों जो है नहीं नहीं वाले ज़्यादा पूछे इस बार। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू धार जिले में स्थित है, मांडू में हिंडोला महल है? तो दोस्तों मांडू धार में तो स्थित है, और इसमें हिंडोला महल है या नहीं ये नहीं मालूम है, आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल विहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? काठी है, क्या है ये लोक नृत्य? नेक्स्ट है, निम्न पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बाद का सही क्रम आपको जमाना है? राजीव गांधी दिया है, ध्यानचंद, अर्जुन, द्रोणाचार्य। नेक्स्ट है दोस्तों, रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? 2018 के ग्रीस 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? IAAF का मुख्यालय कहाँ पर है? नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के जो है आम चुनाव निर्वाचित हुए हैं? राज्य निर्वाचन आयोग नगरी निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? दोस्तों राज्य सूची। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए? ये दोस्तों नेक्स्ट है,
मध्य प्रदेश के, इसमें शायद नौवीं अनुसूची है दोस्तों। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? तो दोस्तों जो है उज्जैन ऐसा है। JSP का मतलब है क्या है इस बात को बताना है। विग ए बेव सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। बेव क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है आपको बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो ये दोस्तों ये स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। नेक्स्ट है, अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका है। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा? किस के अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है ये आपको बताना है, जब ये केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित हो। दोनों से ही दोस्तों। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी को किसी अस्पताल और औषधालय किसी संस्थान में प्रवेश से रोकता है तब वह सिविल अधिकार संरक्षण किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम कब जो है प्रवृत्त हुआ? तो दोस्तों 3 जनवरी 1990। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन मैंने कल ही जो है डाला था लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है देखते रहे, कल परसों जो है एक्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको देखना है, इसमें दोस्तों ये एक्ट से ही संबंधित दिए हैं। नेक्स्ट है, अनुसूचित SC ST एक्ट जो है प्रिवेंशन एक्ट 1889 के अंतर्गत किसी निर्णय दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है? नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? विक्रम साराभाई थे दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्त्रावित करती है? नेक्स्ट है, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान है? दोस्तों नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? नेक्स्ट है, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? नेक्स्ट है, 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्मा संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि थे आपको बताना है कौन थे। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ष 2018 भारत सरकार द्वारा विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम दोस्तों आयुष्मान भारत योजना। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों के विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को बढ़ाकर 51,000 कर दिया गया है। सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था? नेक्स्ट है, 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी लेने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा दी गई? तो दोस्तों बिंटो मार्ले सुधार 1909। नेक्स्ट है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस बहादुरी, इसमें दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा पूरा नहीं आया, बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया इसका नाम आपको बताना है। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? नेक्स्ट है दोस्तों, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में किस शिलालेख से मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो दोस्तों ये भालकुंड नहीं है और सभी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों NH 3 तो गुजरता है, NH 7 भी गुजरता है, शायद NH 8 हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ये आपको मैच करना है, इस एक साइड दिए प्राकृतिक आपदा बाढ़ भूकंप सूखा सुनामी इसके क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र उत्तर बिहार ये सब दिए ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों बाढ़ देखिए, बाढ़ ज़्यादातर जो है उत्तर प्रदेश बिहार के मैदान में आती है, तो पहले का दूसरा तो दोस्तों इसका जो है पहला ही सही है ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना, एक साइड दिया है टेलीग्राफ पठार, कोको कटक, वेल्सिक वेल्सिक कटक, अलगुहास बेसिन ये सब। और नेक्स्ट है, तो भारत का पहले अपने
पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें ये दिए, 4 देश दिए ज़्यादातर, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये है।